हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर ऑल फाइन? आप रीड कर रहे हो ना चैप्टर 7 पे, क्योंकि अगर चैप्टर रीड करोगे और अच्छी तरह से कंसंट्रेटली ये चैप्टर वीडियो में पढ़ोगे तो ही ये चैप्टर आपको याद रहेंगे, क्योंकि अब आप 7th में नहीं 8th में हो, यानी कि उससे भी थोड़ा हार्ड आता है, तो अगर रीड करोगे तो ही याद रहेगा। सो हमने प्रीवियस लेक्चर में मैन्यूर तक कंप्लीट किया था। मैन्यूर किसे कहते हैं? जो एनिमल के जो डंग्स होते हैं, प्लांट के जो लीफ होते हैं, उन सबको डीकम्पोज करके जो हम बनाते हैं उसे मैन्यूर कहते हैं, जिसे हम छाण या खतर बोलते हैं, वही। और फर्टिलाइज़र, उसके बाद आता है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र किसे कहते हैं? जो केमिकली और फैक्ट्री में बनाए जाते हैं उसे फर्टिलाइज़र कहते हैं। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो आई विल एक्सप्लेन फर्टिलाइज़र। सो ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 6। मैंने आपको एक्टिविटी 1.2 रीड करने के लिए बोला था और ये अप्लाई करने के लिए बोला था, तो ये आपने किया है? अगर नहीं किया है तो आपको क्या करना है, मैं आपको ऊपर ऊपर से बता दे रही हूँ कि मूंग के या कोई भी ग्राम के सीड्स ले लेने हैं आपको, और 3 बाउल या 3 ग्लास लेने हैं, ए बी और सी में। क्या करना है? ए में कि आपको कोई भी एक ग्लास में आपको, फॉर एग्जांपल इसमें से क्या है वो आप रीड कर लेना एक बार, कि ए कोई भी एक ग्लास में आपको मैन्यूर डालना है, जो इसे छाणे खतर कहते हैं उसे। बी में आपको एक फर्टिलाइज़र डालना है जो केमिकली बना हुआ है उसे, और सी में आपको कोई कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ ऐसे ही वाटर और सोइल डालना है, और तीनों ग्लास को आपको थोड़े दिन रख देना है। यहाँ पे फर्टिलाइज़र की तरह यहाँ यूरिया यूज़ किया है, तो आपको तीनों ग्लास को रख देना है। आफ्टर 7 to 10 days आपको ऑब्जर्व करना है, तो आपको दिखाई देगा कि जो फर्टिलाइज़र वाला प्लांट होगा वो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, और मैन्यूर वाला धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन उसकी जो सॉइल का जो टेक्सचर है वो मैन्यूर का सबसे ज़्यादा होगा, और सी वाला थोड़ा सा कुछ ही निकला होगा। तो क्या होता है कि हम मैन्यूर और फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं तभी सॉइल की जो फर्टिलिटी टेक्सटाइल होती है वो बढ़ती है, और उसकी वजह से हम अच्छी तरह से हमारा फील्ड में क्रॉप ले सकते हैं। सो हमने मैन्यूर तो आगे डिस्कस किया था, आज हम फर्टिलाइज़र करेंगे। सो फर्टिलाइजर्स आर केमिकल विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिशंस। फर्टिलाइज़र ऐसा केमिकल होता है जिसके अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशंस होता है, जैसे कि कोई भी एक NPK, यहाँ पे NPK दिया हुआ है फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फरस एंड पोटेशियम जैसे पर्टिकुलर न्यूट्रिशंस होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स, जो भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट से बना हुआ केमिकल होता है उसे फर्टिलाइज़र कहते हैं, जिसे हम सोइल के अंदर यूज़ करते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्यूर? मैन्यूर से ये कैसे डिफरेंट होता है? तो फर्टिलाइज़र आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइज़र फैक्ट्री के अंदर बनता है, और मैन्यूर कहाँ बनता है? हम डीकम्पोज करके उसे फील्ड में ही कहाँ पे बना देते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, एमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, NPK यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फरस एंड पोटेशियम। ये नेम आपको याद रखने हैं कि फर्टिलाइज़र के एग्जाम्पल आपको पूछे जाए तो इनमें से कोई भी आप लिख सकते हो। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज वीट, पैडी एंड मीज। जो फर्टिलाइज़र होता है वो फार्मर को बेटर यील्ड, बेटर क्वालिटी के क्रॉप लेने के लिए, जैसे कि वीट, पैडी, मीज जैसे बेटर क्रॉप लेने के लिए हेल्प करता है। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ मेड द सोइल लेस फर्टाइल। और अगर उसका ज़्यादा उपयोग करने से क्या होता है कि जो सोइल की फर्टिलिटी होती है, फर्टाइल होती है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। सो हमें मैन्यूर भी सबसे ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। फर्टिलाइजर्स हैव अल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। और फर्टिलाइज़र वाटर पोल्यूशन का सबसे बड़ा सोर्स है, इसलिए हमें कम मात्रा में यूज़ करना चाहिए। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स विथ ऑर्गेनिक मैन्यूर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। हमें क्या करना चाहिए? और उसकी वजह से ये जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो वाटर पोल्यूशन करते हैं, सोइल पोल्यूशन करते हैं, फर्टिलिटी कम करते हैं सोइल की। तो हमें क्या करना चाहिए? उसे थोड़े बहुत मात्रा में यूज़ करना चाहिए, और उसकी जगह पे हमें ऑर्गेनिक मैन्यूर और लीव
ग्लू से बना हुआ जो डिकम्पोज करके हम बनाते हैं वो हमें यूज़ करना चाहिए फील्ड के अंदर। द यूज़ ऑफ मैन्यूर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। मैन्यूर का हम यूज़ करते हैं तो वो सॉइल की जो टेक्सचर कैपेसिटी होती है उसे इम्प्रूव करती है, और उस दूसरी साइड वो क्या करती है, जो वाटर रिटेनिंग यानी कि वाटर एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है सॉइल के अंदर वो बढ़ाती है। इट रिप्लेनसेस द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, और वो जो सॉइल के अंदर सारे जो न्यूट्रिशंस हमें ज़रूरी होते हैं उसे रिचार्ज करती है, रिप्लेनसेस करती है यानी कि फिर से उसे ऐड करती है सॉइल के अंदर। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनसेस द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन, और दूसरी साइड से रिप्लेनसेस यानी कि सॉइल के अंदर न्यूट्रिशंस रिचार्ज करने का दूसरा मेथड कौन सी है, तो क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन यानी कि हमें कोई भी एक फील्ड के अंदर एक ही टाइप का क्रॉप नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमने इस साल वीट का क्रॉप किया है तो नेक्स्ट साल में पेडी या तो मेज़ का करना चाहिए। अगर हम ऐसे रोटेशन करते रहेंगे क्रॉप का तो उसके अंदर जो भी न्यूट्रिशंस हमें ज़रूरत होगी, वीट को कोई एक न्यूट्रिशन ज़रूरत होगी तो दूसरे उसके अंदर नहीं एब्जॉर्ब होंगे और दूसरे को उसकी ज़रूरत होगी, तो ऐसे जो हमारी सॉइल होगी वो उसकी फर्टाइल टेक्सचर नहीं कम होगा, और ऐसे जो सॉइल का टेक्सचर है वो धीरे धीरे क्रॉप रोटेशन की वजह से न्यूट्रिशंस बना रहेगा और रिप्लेनसेस सॉइल रिप्लेनसेस बनी रहेगी। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्थर्न इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूमिनस एज फोडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। पहले के ज़माने में क्या करते हैं, लेग्यूमिनस यानी कि पल्सेस जैसे जो प्लांट थे वो एक साल सीजन में करते थे और दूसरे सीजन में वीट करते थे। दिस हेल्प टू द रिप्लेनसेस ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन, और ये हेल्प करता है नाइट्रोजन को फुलफिल करने के लिए सॉइल के अंदर। फार्मर्स आर बींग इंकरेज टू अडेप्ट दिस प्रैक्टिस, और फार्मर को इससे इंकरेज होता है प्रैक्टिस के लिए। इन द प्रीवियस क्लास हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि रिजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन को क्या करता है, उसके अंदर रिप्लेनसेस करता है ना, गैसियस फॉर्म को कन्वर्ट करके वो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करता है और उसके थ्रू प्लांट को एटमोसफेयर जो नाइट्रोजन होता है वो मिलता है, ऐसे एब्जॉर्ब करता है। तो ये हमने 7th क्लास में रीड कर लिया है, अगर आपको याद नहीं है तो एक बार फिर से आप रीड कर लेना। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे फर्टिलाइज़र एंड मैन्यूर का डिफरेंस दिया हुआ है जो आपको एक बार रीड करना है। मैं आपको मेन पॉइंट बता दे रही हूँ कि फर्टिलाइज़र होता है वो मैन मेड होता है यानी कि हम बनाते हो और इनऑर्गेनिक होता है, और मैन्यूर प्लांट और उन सबसे नेचुरल प्लांट से बनाया नेचुरल सब्सटेंस से बनाया जाता है और वो ऑर्गेनिक होता है। फर्टिलाइज़र को फैक्ट्री में बनाया जाता है और मैन्यूर को फील्ड के अंदर प्रिपेयर किया जाता है। फर्टिलाइज़र जो ह्यूमस होते हैं वो सब सॉइल को प्रोवाइड नहीं करते हैं, और जो मैन्यूर होता है वो है ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को। फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, यानी जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो कोई भी कंपल्सरी एक पर्टिकुलर एक ही न्यूट्रिएंट्स होता है वो देता है सॉइल को, लेकिन मैन्यूर होता है वो रिलेटिवली थोड़ी कम मात्रा में देता है लेकिन अच्छी तरह से वो सॉइल की टेक्सचर कम नहीं करता है। ये आप अच्छी तरह से रीड कर लेना और याद कर लेना क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के अंदर ये डिफरेंस आता ही है। यहाँ पे आपको एडवांटेजेस दिए हुए हैं मैन्यूर के, तो द ऑर्गेनिक मैन्यूर इज़ कंसिडर बेटर देन फर्टिलाइज़र, दिस इज़ बिकॉज ऑर्गेनिक मैन्यूर होता है वो बेटर होता है फर्टिलाइज़र की मात्रा में। क्यों, तो इट हैनाज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी कि सॉइल की जो वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होता है उसे बढ़ाता है। इट मेक्स द सॉइल प्योर्स ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसियस बिकम ईजी, और उसमें से गैसियस होते हैं सॉइल के अंदर जो पोर्स होते हैं छोटे छोटे जो होल्स होते हैं उसके अंदर से गैस ईजीली एक्सचेंज हो सके आ सके और जा सके ऐसे कर सके उसके लिए वो बढ़ाता है मैन्यूर। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, और जो प्लांट के लिए अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसे इंक्रीज करता है। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, और जो सॉइल का टेक्सचर होता है यानी कैपेसिटी कैपेबल होते हैं फील्ड को अच्छी तरह से ग्रो करने के लिए वो टेक्सचर सॉइल का बढ़ाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है यानी कि आपको फर्टिलाइज़र और मैन्यूर अच्छी तरह से अब पता ही चल गया होगा, तो उसके बाद आता है इरिगेशन, जो हम प्लांट पानी पिलाते हैं वो
इरिगेशन के अंदर क्या होता है, जो पानी पिलाते हैं, तो मैं आपको मेन मेन इसका जो पहले इंट्रोडक्शन है वो बता दे रही हूँ, और डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ऑल लिविंग बींग नीड वाटर टू लिव, हम सबको जीने के लिए पानी तो चाहिए, और पानी क्या करता है, प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट बढ़ाता है प्लांट की, और वो एब्जॉर्ब करता है प्लांट के रूट। वो एब्जॉर्ब कहाँ से होता है, तो प्लांट के रूट के थ्रू ही होता है। अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर आर ऑल्सो एब्जॉर्ब, और वाटर के साथ साथ मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर जो होते हैं वो भी प्लांट रूट में से ही एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए पानी देना बहुत ज़रूरी होता है। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर, और प्लांट के अंदर 90% तक वाटर होता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस, और वाटर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कोई भी एक सीड के जर्मिनेशन के लिए, क्योंकि अगर पानी ही नहीं होगा तो ड्राई कंडीशन में सीड ग्रो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, और हम कोई भी न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट के लिए ज़रूरी होता है उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम वाटर के अंदर उसे मिक्स करने के बाद उसे प्लांट के में अंदर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और प्लांट रूट के थ्रू उसे एब्जॉर्ब करेंगे, और ऐसे उसे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। वाटर आल्सो प्रोटेक्टेड द क्रॉप द फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट इन करंट्स, यानी कि जो वाटर होता है वो क्रॉप को बचाता है फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट से, यानी कि एयर की जो कंडीशंस होती है गर्म नरम वो सब से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सोइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड हैव टू बी वाटर रेगुलरली, और जो मेंटेन करता है जो सोइल का मॉइस्चराइजेशन होता है उसे हेल्दी रखता है, क्योंकि हेल्दी क्रॉप के ग्रोथ के लिए हमें सोइल का मॉइस्चर, इसलिए हमें रेगुलरली उसे पानी देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे होल्ड करते हैं, और नेक्स्ट पर्सन वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।